वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रायसेन जिले के झिरी स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की, इसके बाद पौधारोपण भी किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों से लोगों को जोड़ने का अभियान है। ऐसे आयोजनों से जनता में पर्यावरण के प्रति जागृति आएगी। साथ ही प्रदेश में 16 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में कुएं, बाबड़ी, तालाब, नदी आदि जल स्रोतों की साफ सफाई गहरीकरण का कार्य किया जाएगा। रायसेन जिले में बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ का आज कार्यक्रम था। आज बेतवा नदी के पूजन जन्म स्थल का एक उद्गम स्थल का पूजन करने के बाद इस अभियान का प्रारंभ किया है और इसके पीछे मूल भाव ये है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर के गंगा दशहरे तक ये लगातार हमारे जितनी जल रचना है, चाहे तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, नदी हो, इन सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम तय किए हैं। 905 से ज्यादा अलग अलग कामों को हाथ में लिया है, जिसमें सभी जल स्रोत की स्वच्छता अभियान, अलग अलग प्रकार के आयोजनों की पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे अपने माध्यम से मिलेगी।